हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फूल गोभी से बहुत ही बढ़िया और आसान सा नाश्ता बनाएंगे, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फूल गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने फूल गोभी को कद्दूकस करके रख लिया है। ये पूरी एक फूल गोभी हमने ली थी, साथ ही में हमने कुछ धनिया पत्ता और स्प्रिंग अनियन यानी हरा प्याज काट के रख लिया है। पहले हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसालों के पाउडर डाल देंगे, जिसमें हमने हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला और कुटी सूखी लाल मिर्च ली है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता और कटी हरी प्याज भी डाल देंगे। आधा कटोरी हम इसमें बेसन डालेंगे और आधा कटोरी हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो आज हम गोभी की बहुत ही टेस्टी सी टिकिया बनाएंगे। इसमें हमने चावल का आटा डाला है, जिससे हमारी टिकिया बहुत ही क्रिस्पी होगी। तो सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिलाते जाएंगे। हमें जितना पानी की आवश्यकता होगी हम उसके हिसाब से पानी इसमें डालते जाएंगे। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, वापस से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी फूलगोभी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, हम थोड़ा सा तेल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसकी टिकिया तैयार कर लेंगे। तो इस ठंड के मौसम में आप इसे बना के जरूर ट्राई कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ इनका स्वाद बहुत ही बेहतर आता है। तो अब हम तेल में टिकिया को डाल देंगे। इसी तरह हम आपको एक दो टिकिया और बना के दिखाते हैं। बिल्कुल आसानी से ये बन जा रही है। तो ये हमारी दूसरी टिकिया भी बनके तैयार है, इसे भी हमने तेल में डाल दिया है। अब हम इसे अलट पलट के अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से कुक होने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फूल गोभी की क्रिस्पी टिकिया बनके बिल्कुल तैयार है। इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
इसी तरह हम सारी टिकिया को बना के तैयार कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएँ। थैंक यू।